हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर सैमसंग के उन स्मार्टफोन्स के बारे में जिनको कि नए FOTA अपडेट्स मिले हैं। एंड यहां पर जो सबसे पहला स्मार्टफोन आता है वो सैमसंग की एम सीरीज में से है। सैमसंग का जो गैलेक्सी M30S है, सैमसंग ने उस स्मार्टफोन के लिए ऑफिशियली जो UI 3.1 का कोर वर्जन है वो रिलीज़ कर दिया है। एंड यहां पर मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था, तो अगर आपको चेकआउट करना है मैं आपको लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, सो मेक श्योर आप वीडियो को चेकआउट कर लें। यहाँ पर आप देखेंगे जो अपडेट की फाइल थी वो अराउंड 744 MB के आसपास की थी। एंड यहाँ पर UI 3.1 का कोर वर्जन हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं, तो कैमरा के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं, लाइक फ्रंट कैमरा यहाँ पर इंप्रूव किया गया है। जो बैक कैमरा है उसका जो वीडियो रेजोल्यूशन है आप क्विकली चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट अपने वीडियो UI के पास में। एंड इसके अलावा यहाँ पर ऐसा कुछ खास मेजर चेंज नहीं है, बिकॉज यहाँ पर गुड लॉक का हमें सपोर्ट देखने को नहीं मिलता सैमसंग की एम सीरीज़ के अंदर, तो जो मेन फीचर्स हैं UI 3.1 के वो वहीं पर ही सपोर्टेड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो अगला स्मार्टफोन है वो सैमसंग की ए सीरीज़ में से है, जहाँ पर कि सैमसंग का जो गैलेक्सी A50s है। सैमसंग ने अपने A50s के लिए भी यहाँ पर जो इंडिया के अंदर एक नया FOTA अपडेट है वो रिलीज़ कर दिया है। एंड इस अपडेट के थ्रू सैमसंग ने इस डिवाइस का जो बैटरी लाइफ है सैमसंग ने उसको इम्प्रूव किया है। एंड यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है आपको पहले के मुकाबले 30 मिनट स्क्रीन ऑन टाइम ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। लाइक हमारा सैमसंग का A51 है, वहाँ पर भी इसी तरीके का जो इम्प्रूवमेंट है वो किया गया था। एंड यहाँ पर शायद से अप्रैल का सिक्योरिटी पैच लेवल हमें देखने को मिला हो, बिकॉज जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने हमारे साथ में सिर्फ एक ही स्क्रीनशॉट शेयर करा है जिनका नाम अजय है। तो यहाँ पर ये सैमसंग का गैलेक्सी A50s का अपडेट था। इसके अलावा बात करें यहाँ पर अगले अपडेट के बारे में, सो यहाँ पर सैमसंग की एम सीरीज में से सैमसंग के M31S यहाँ पर इस स्मार्टफोन को एक नया FOTA अपडेट मिला है। यार यहाँ पर सैमसंग के एम सीरीज़ के इतने सारे स्मार्टफोन से एस है और नॉर्मल है, M30, M30S, M31, M31S, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। वेल यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है इसके लिए एक नया सिक्योरिटी पैच रिलीज़ किया गया है, जहाँ पर कि इस सैमसंग ने इस स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है सैमसंग ने उसकी बेसिकली विविडनेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करा है। बेसिकली आपको कलर्स थोड़े से ज़्यादा बेटर अच्छे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक सिक्योरिटी पैच है जिसके रिगार्डिंग मतलब कोई न्यूज़ नहीं मिली है कि कौन सा सिक्योरिटी पैच लेवल है, बिकॉज इन्होंने भी एक स्क्रीन शॉट शेयर करा था। तो जैसे इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो फिर आपको हमारे सोशल मीडिया पर पता चल जाएगा, मेक श्योर आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर लें। एंड ये था आज के इस वीडियो में, मिलता है आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।